दुनिया का सबसे ज्यादा बोला जाने वाला झूठ है आई एम फाइन, और दुनिया के हर इंसान को सबसे ज्यादा पसंदीदा वर्ड है पी। हर इंसान जिंदगी भर पी के पीछे भागता है, जो मिलता है वह भी पी से, और जो नहीं मिलता वह भी पी से। पी से पति, पी से पत्नी, पी से पुत्र और पुत्री, पी से परिवार और प्रेम, पी से पैसा, पद, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, पब्लिसिटी और प्यार। हर कोई पी के पीछे भागता रहता है और कभी कभी इन सब के चक्कर में पी से पाप भी करता है, और अंत में सिर्फ उसका पी से पतन होता है, और उसके बाद उसके पास बचता है सिर्फ पी से पछतावा। इसीलिए पाप के पीछे पड़ने से अच्छा है अपने परमात्मा के पीछे पड़ें और पी से जिंदगी में कुछ पुण्य कमाएं। कभी आगे बढ़ने के लिए किसी का बुरा ना करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। याद रखें, ऊपर वाले के पास सबका हिसाब है, वक्त सबका आता है। ये दुनिया बड़ी सोच समझकर बनाई गई है, तभी तो मौत सबको आती है, चाहे वो कितना ही अमीर हो, चाहे वो कितना ही गरीब हो। सोचिए, अगर अमीर लोग पैसों से जिंदगी खरीद सकते तो वो गरीबों के मरने का मजाक उड़ाते। ईश्वर ने अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसका सोने चांदी की तरह संग्रहण कर लेते, और गरीब इंसान हमेशा भूखा मरता, मृत्यु के बाद शरीर में दुर्गंध उत्पन्न करती। नहीं तो इस दुनिया में कोई भी अपने प्यारों को कभी ना जलाता और ना दफनाता। ईश्वर ने जिंदगी में किसी भी प्रकार के संकट या अनहोनी के साथ रोना और समय के साथ उसे भूलना सिखा दिया है, अन्यथा लोगों के जीवन में निराशा और अंधकार के अलावा कुछ नहीं बचता। दोस्तों, कमियां तो हर इंसान में होती हैं, लेकिन कड़वा सच ये है कि ये कमियां सिर्फ दूसरों में नजर आती हैं। इसीलिए हमेशा अपने कर्म अच्छे रखिए, दूसरों में बुराइयां ढूंढने की जगह खुद की अच्छाइयों पर ध्यान दीजिए। क्योंकि याद रखिए, वक्त किसी का नहीं होता, जरा सी बात से बातों के मतलब बदल जाते हैं। उंगली उठ जाए तो बेइज्जती कहलाती है, अंगूठा उठे तो तारीफ, और अंगूठे से अगर उंगली मिल जाए तो लाजवाब बन जाता है। जन्म होने पर बटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का ये खेल श्राद्ध की खीर पर खत्म हो जाता है, लेकिन यही जिंदगी की मिठास और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इंसान इन दोनों ही मौकों पर ये चीजें खुद नहीं खा पाता। इसीलिए एक जीवन मिला है, इसमें अच्छे कर्म कीजिए, जिंदगी में सफलता हासिल कीजिए, इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की मदद कर पाएं। हर किसी की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश न कीजिए, क्योंकि जिनकी नजरों में आप अच्छे हो हमेशा अच्छे रहोगे, जिनकी नजरों में आप बुरे हो हमेशा बुरे ही रहोगे। क्योंकि आप खुद को तो बदल सकते हो, लेकिन जिनकी नजरें खराब हो चुकी हैं उन्हें आप बदल नहीं सकते। इसीलिए दूसरों के चक्कर में अपना समय बिल्कुल बर्बाद ना करें, क्योंकि सबको वक्त देना वक्त की सबसे बड़ी बेइज्जती है। आपके पास गिनी हुई सांसें हैं, आपके पास चंद दिन हैं, इन्हें हंसते मुस्कुराते हुए गुजारिए, अपने सपने पूरे कीजिए, अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। किसी चीज से डरने की बजाय उस डर का सामना कीजिए, और लोगों की बातों को कभी भी दिल पर मत लीजिए, क्योंकि लोग खरीदते समय पूछते हैं कि अमरूद मीठे हैं, और बाद में उसी अमरूद पर नमक लगाकर खाते हैं। वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंग को समझना और उसे रिस्पेक्ट देना है। अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इसको सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़।